गुड इवनिंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आरजी स्टडी। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। जैसा कि जानते हैं कि कल रिजल्ट आया है, किसका? सीबीएसई, आपका जो सीनियर असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर का, तीन रिजल्ट केवल बाकी थे और सभी का रिजल्ट आ गया था। ठीक है, इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि लड़के सभी परेशान हैं। कुछ लोगों का 144 से उनका सिलेक्शन हुआ है और कुछ लोगों का 145 150 तक था, फिर भी नहीं सिलेक्शन हुआ। ठीक है, इस सभी के बारे में हम लोग आराम से इतना जानेंगे, समझेंगे, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप लोगों का पूरा जितना भी डाउट है सब कुछ क्लियर हो जाएगा एक एक करके। ठीक है, जितने भी आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे यहाँ से, हमारे यहाँ आप लोगों का पूरा मैं एक समग्र वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ, ताकि एक ही वीडियो में आप सभी लोगों का क्वेश्चंस को समेटा जा सके। ठीक है, अब चलते हैं, शुरू करते हैं ये वीडियो को। और जो लोग इससे पहले नए हैं आप चैनल पर, पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिले या तो आगे कोई भी वैकेंसी के बारे में जानकारी चाहिए तो आप लोगों को एकदम सही और सटीक जानकारी मिल सके। यहाँ से चैनल से आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है, बहुत बड़ा चैनल नहीं है, लेकिन चैनल छोटा है लेकिन सिलेक्शन बहुत बड़ा हुआ है यहाँ से, ये जान लीजिएगा आप लोग। ठीक है, टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मैं पूरा का पूरा पिक दे रहा हूँ जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, कितना नंबर्स पाए हैं आपका, उन सभी का स्क्रीनशॉट वहाँ पे मैं शेयर कर दिया हूँ। ठीक है, प्रूफ के साथ, जो लोग जल रहे हैं उनको जलने दीजिए, क्योंकि देखिए सिलेक्शन हुआ है। आरजी स्टडी से फ़ोन आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, आपका जो एसएमएस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, यहाँ सर सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे प्री का। बाकी आप लोगों का जो क्वेश्चन था उस क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कट ऑफ, कट ऑफ क्या है। दूसरा क्वेश्चन, कैसे हुआ नॉर्मलाइजेशन, इतना ज़्यादा कैसे उलट फेर हो गया है। तीसरा, आप लोगों का डाउट तो क्लियर हो ही जाएगा आप सभी लोगों का, कैसे करें चेक रिजल्ट, और आप लोगों का टाइपिंग में डेट ऑफ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ टाइपिंग। ठीक है, देखिए क्या सब कुछ रहने वाला है। कट ऑफ डिसाइड नहीं हुआ है अभी तक, कट ऑफ डिसाइड नहीं हुआ है। जो मैं बताया था कट ऑफ, उसी के 5-10 नंबर आगे पीछे हुआ है। ठीक है, हाँ, लेकिन वो नॉर्मलाइजेशन की बात की मैं बताया था, जान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, नॉर्मलाइजेशन की बात। अब इस बार नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से हो गया है कि जो शिफ्ट टफ थी उनके नज़र में, जो शिफ्ट टफ थी उसका अपना नंबर बढ़ा है। ठीक है, और जो शिफ्ट जो थोड़ा सा ईजी था उसका कम बढ़ा है। अब इतने ज़्यादा है कि बहुत लोगों का तो 130 था, अब वहाँ पर इनका स्कोर हुआ गया आपका 154 लगभग हो गया है बढ़कर। अब इतना ज़्यादा होने के बाद अंतर सीट सिलेक्शन आपका जो है प्री में हो चुका है। ठीक है, अब बाकी इसके बाद नॉर्मलाइजेशन कैसे कैसे हुआ है मैंने बताया अभी ना, कि जो इसके पहले मैं एक फार्मूला बताया था जो आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था, उन लोगों का देखिए फार्मूला फंडा समझ में आता नहीं है किसी को भी, अपना अपने हिसाब से अब तक कैसे कैसे अपना कर देते हैं वो लोग नॉर्मलाइजेशन। रह गई बात की अपन लोगों का जो करे, तो कुछ लोग कि यहाँ से कैसे कंप्लेन किया जाए कि हमारा तो हुआ ही नहीं, इतना ज़्यादा है, हमसे कम था, इनका हो गया, वो केवल और केवल नॉर्मलाइजेशन का ही सिस्टम है। चलिए, नॉर्मलाइजेशन हुआ है इसीलिए उन लोगों का बढ़ गया, इसीलिए उनका सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हो पाया है, ये ध्यान दीजिएगा। अब जिन लोगों का नहीं हुआ प्लीज़ ज़रूर कमेंट कर दें, और जिन लोगों का हुआ भी वो भी कमेंट करें कि हाँ हमारा सर हुआ है, यहाँ से लाभ हुआ है। ठीक है, कट ऑफ देखिए, जान गए आप लोग कि कट ऑफ अभी तक नहीं होगा। हाँ अच्छा, स्कोर कार्ड बहुत लोग पूछ रहे हैं, देखिए स्कोर कार्ड 3 से 4 दिन बाद, 4 से 5 दिन बाद आप लोगों का आ जाएगा स्कोर कार्ड। उसके बाद चेक कर लीजिएगा एग्जैक्टली आप लोगों का नंबर कितना है, था कितना और बढ़ा कितना है नॉर्मलाइजेशन के बाद। वो आएगा कब, आएगा 3 से 4 दिन के बाद आ जाएगा। जैसे आईटी आपका जो इसके पहले रिजल्ट आया था उसका आया था 3 से 4 दिन के बाद, उसका भी आ जाएगा। तब उसके बाद देखिएगा कट ऑफ बताया जा सकता है कितना गया है। ठीक है, उसके पहले आप लोग कुछ भी नहीं कहेंगे इधर उधर जाने। हाँ, जिनका नहीं हुआ है प्लीज़, अभी बहुत से एग्जाम है, आप लोग इतना ज़्यादा हताश निराश हो जा रहे हैं कि एक ही एग्जाम नहीं है ना, अभी आगे भी बहुत एग्जाम है, तो उसका देखिए आगे NTPC है, ग्रुप डी है, MTS है, DRDO MTS है, आगे तमाम प्रकार के आएंगे एग्जाम, एक हार से कोई हार नहीं होते, जिंदगी बहुत अभी आगे लंबी चलने वाली है। ठीक है, अभी क्वेश्चन देखिए, अब यहाँ पे है कि कैसे चेक करें रिजल्ट। देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में भी रिजल्ट जो का लिंक दे रहा हूँ कि आप जाके पूरा PDF रिजल्ट वाला डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम से पे भी मैं सेंड कर चुका हूँ, आप लोग जाके वहाँ से भी ले सकते हैं। तो कैसे कर रिजल्ट को आपको हो जाएगा, देखिए नाम चेक कर लीजिए, यदि नाम है आप में आपका उसमें तो ठीक,
आपका रोल नंबर चेक कर लीजिए, रोल नंबर ठीक नहीं है तो आप लोग अपने ईमेल पर जाइए, ईमेल पर अपना नाम डालिए, सॉरी अपना नाम नहीं CBSE डालिए, CBSE से आपका जो फॉर्म भरे थे उस समय आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। जब नहीं मिलने की बात है तब जब आपके पास कुछ नहीं है तब की, तो नाम तो है ही, नाम से चेक कर सकते हैं आप, और कितना है ही 1500 बहुत ज़्यादा है, 1500 तो आधे घंटे बैठ के नहीं चेक कर सकते हैं, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो चेक कर सकते हैं। PDF हमारे मैं उसको दिया हूँ, वहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ टाइपिंग जिन लोगों का हुआ है सबसे पहले उन लोगों के लिए बहुत बहुत बधाई हो, और उनका जो टाइपिंग है 2 से 2.5 महीने के अंदर हो जाएगी। आज शाम तक एक और वीडियो उसके लिए जो टाइपिंग के लिए कितना क्या क्या चाहिए कैसे है सब कुछ टाइपिंग उसके लिए आ जाएगा, उसके लिए आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टाइपिंग अपने जोरों पर कर दीजिए, बहुत बढ़िया टाइपिंग रहेगी तभी आप लोग क्वालिफाई हो पाएंगे और एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। बाकी अभी भी कुछ डाउट लग रहा है तो आप लोग जरूर बताएं। हाँ, ये जो ऊपर देखिए नंबर स्क्रोल हो रहा है इस पर आप लोग BIS टेक्स्ट सीरीज हमसे ले सकते हैं, BIS टेक्स्ट सीरीज मात्र 400 रुपये में है, 8 तारीख को पेपर है, पूरा PDF मिलेगा उसका और 1 ईयर का करंट अफेयर मिलेगा, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो तो हमें पूछ सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल, कोई अभी भी डाउट हो तो ईमेल आईडी पे पर्सनली पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप नंबर तो दे ही दिया हूँ, ठीक है। आशा करते हैं सभी आप लोगों का जो डाउट था वो सभी दूर हो चुका है, अभी भी कोई है दिक्कत तो हमें आप पूछ सकते हैं या नहीं, ठीक है। संस्था छोटी है परंतु सिलेक्शन के लिए भरोसेमंद है, आप सभी लोग जानते हैं सिलेक्शन कितना हुआ RG Study से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।